हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की पाइथन। तो आज हमारा टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है क्लास 12th के अंदर से हटा दिया गया है। सो अगर आप सिर्फ CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको ओवरऑल पाइथन सीखनी है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि एकदम डिफरेंट है और काफी ज्यादा मजेदार टॉपिक है। तो इसके अंदर हमें तीन टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, ये सब पढ़ना है। MATPLOTLIB ये क्या चीज है, प्लॉटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम चार्ट्स बनाते हैं पाइथन के अंदर, वो देखते हैं। तो डेटा को विजुलाइज करने से पहले हम ये देख रहे थे कि डेटा होता क्या है। तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट टेक्नोलॉजी के साथ जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। आज की डेट में डेटा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हो चुका है कि बिग डेटा नाम की एक पूरी फील्ड बन चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारी, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, सारी की सारी कंपनीज के पास इतना सारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से अगर हम देखना चाहें तो हम दिल्ली के अंदर 20-30 ईयर के अनमेरिड मेल जिनको ब्लैक डॉग पसंद है, हम उनकी भी डिटेल्स जानते हैं सारी की सारी। और ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप खुद सोचो जब हम इसको प्रैक्टिकल यूज करने पाएंगे तो हम उस डेटा को कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं। और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल डेटा को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हैं क्योंकि फोकस सर्विसेज और पर्सनलाइज्ड ऐड और ऐसी काफी सारी चीजें करके डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। तो देखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की हमें क्या जरूरत पड़ती है। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल अगर देखें तो मान लेते हैं कि हम हर घंटे अपने टाउन का टेम्परेचर नोट करते जा रहे हैं और ये हम हर घंटे कब तक करते गए, लगभग मान लो 2-3 साल तक। ठीक है, तो 2-3 साल तक मैंने हर घंटे टेम्परेचर नोट करा तो मेरे पास लगभग 10,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे। पर अगर इस डेटा को मैं डायरेक्टली देखूंगा तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में और इतना ज्यादा कन्फ्यूजिंग होगा कि एक बार को तो मैं इसको देखने को इग्नोर करूंगा, बट अगर देख भी लूंगा तो मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर सारी डेट्स होंगी, सबका टाइम होगा और क्या क्या टेम्परेचर था। बट अगर इसी डेटा को मैं विजुअलाइज करके किसी ग्राफ के ऊपर बना दूं, ग्राफ के ऊपर मैं एक साइड पर डेट रख दूं, एक साइड पर टेम्परेचर रख दूं, तो कर्व के थ्रू मैं देख के बता सकता हूं कि किस टाइम कितना टेम्परेचर गया था, किस ईयर में सबसे ज्यादा गया है, किस ईयर में सबसे कम गया है, कब ठंड जो है ज्यादा लंबे टाइम तक चली है, कब गर्मियां कम टाइम तक चली है, ऐसी काफी सारी चीजें मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ ग्राफ को देख के। सो डेटा विजुलाइज करने से क्या होता है, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाती है, पैटर्न्स को देखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है और ट्रेंड्स को पकड़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर हम देखें कि यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन सी ईयर में कितनी गई थी, या फिर अगर हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देखें, ये हमारा सेंसेक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कब से स्टार्ट हुआ था, कितना ऊपर गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2005 तक तो सच कोई ग्रोथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ आने लगी। फिर यहाँ पर एक ये दिख रहा है ये किस चीज़ का है, जिनको पता हुआ है 2008 का जो क्राइसिस था वो है, यहाँ पर अभी का पता होगा ये क्या है, ये किस चीज़ का डिप है, ये हमारा कोरोना का है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं हर डेट का देख सकते हैं। बट अगर इसी डेटा को अगर हम नॉर्मली लिखते कि हर दिन क्या रेट था कितना था, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता। या फिर अगर हमें किसी चीज़ का मार्केट शेयर देखना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखनी है जो डिवाइडेड है, तो उस केस में हम ऐसे करके एक पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ों को फाइंड आउट करना, इससे भी चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब पाइथन के अंदर डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है MATPLOTLIB लाइब्रेरी। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और इसके अंदर मेजरली हमारे जो 2D ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शंस है वो सारे के सारे इसके अंदर है। तो नाम से पता लग रहा है कि हम इसके अंदर प्लॉटिंग वगैरह करेंगे, MATPLOTLIB लाइब्रेरी इसका नाम जब ही है। सो MATPLOTLIB के अंदर भी अब काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं। अब उसके अंदर से हमें जो यूज़ करना है वो है हमारा पाइपलॉट। पाइपलॉट एक मॉड्यूल है MATPLOTLIB के अंदर और इसके अंदर मेजरली हमारे प्लॉटिंग के फंक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे कराते हैं वो हमने सीख ही रखा है चैप्टर 4 में। सो यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा इंपोर्ट MATPLOTLIB.pyplot और इसको कोई एलियास नेम दे दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो मैंने आपको बताया पाइपलॉट हमारा एक मॉड्यूल है। अब पाइपलॉट को हमें एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे उसके अंदर, बट अगर आप एनाकोंडा यूज करते हो तो उसके साथ ही ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आता है। तो अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो आपको इसको एक्सटर्नली डालने की जरूरत नहीं है MATPLOTLIB को। तो पाइपलॉट मैंने आपको बताया एक मॉड्यूल है MATPLOTLIB के अंदर। अब जो MATPLOTLIB लाइब्रेरी है आपको एक्सटर्नली ऐड करनी पड़ती है पाइथन के अंदर, बट अगर आप थोड़े से आलसी हो तो और अगर आप एनाकोंडा यूज़ करते हो तो उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल आती है, तो वहाँ से आपको एक फायदा है। तो अगर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ तो उसके बाद मेरे को हर कमांड ऐसे लिखनी पड़ती है MATPLOTLIB का, पाइपलॉट का, जो भी फंक्शन है। सो इसका मेरे पास तोड़ क्या है, मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट करा के उसको एक एलियास नेम देता हूँ। तो मैंने इसको एलियास नेम दे दिया PL। तो ये पूरा लिखने की जगह मैं जस्ट PL.plot करके अपना फंक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पर प्लॉट हमारा एक फंक्शन है, हमारा प्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ये आगे देखेंगे। इसके अंदर ऐसे करके हम कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे आगे। प्लॉटिंग करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारा NumPy मॉड्यूल क्या है। NumPy भी आपका एक बहुत ज़्यादा यूजफुल मॉड्यूल है और ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इसके अंदर जो हमारी मेजर फंक्शनलिटीज़ हैं वो सारी सारी हमारी एरेज से रिलेटेड है। अब एरेज क्या है, पाइथन में जैसी हमारी लिस्ट्स होती हैं वैसी हमारी एरेज भी होती हैं, बस डिफरेंस क्या है, लिस्ट के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स डालते थे वो हम कुछ भी डाल सकते थे उसके अंदर, बट एरे के अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे वो एक ही तरह की डेटा टाइप की होनी चाहिए। अगर मैं एरे में नंबर डाल रहा हूँ तो बाकी सारे भी नंबर ही होने चाहिए, अगर एरे के अंदर मैंने अल्फाबेट डाला तो बाकी सारे भी अल्फाबेट ही होंगे, वो हमारी एरे होती है। और का डिफरेंस होता है, और बाकी एरे के अंदर थोड़े से हमने ज़्यादा फंक्शंस बना रखे हैं जो थोड़े यूजफुल होंगे हमारे लिए, कैसे यूजफुल होंगे प्लॉटिंग के टाइम वो आगे सीखते हैं। तो पहले देख लेते हैं एरे बनती कैसी है पाइथन के अंदर। लिस्ट बनाना हमें आता है डायरेक्टली, L=² ब्रैकेट से मैंने एक लिस्ट बना दी। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा होगा एक लाइन लिखी हुई है इंपोर्ट NumPy as NP, यानी मैंने NumPy को इंपोर्ट करा लिया और उसका एलियास नेम दे दिया NP।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए नाम की एरे बना रहा हूँ एन पी डॉट एरे फंक्शन की हेल्प से, और उसमें लिस्ट डाल दी। तो ये तो देख के क्लियर हो रहा हो क्या करेगा, ये ए के अंदर एक एरे बना देगा या फिर ए को एक एरे पे पॉइंट करा देगा जो लिस्ट एल से बनी होगी, यानी जो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स की एक एरे बन जाएगी अब, जो जिसको ए पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी 1, 2, 3, 4 है, ये भी 1, 2, 3, 4 है, ये एक लिस्ट है, ये एक एरे है। एरे के अंदर थोड़ी सी हमारी ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ होती हैं। हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस लगा के देख लेते हैं एरे के ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ पर टाइप लगाया, तो ये बताता था कि इस टाइप का डेटा टाइप है हमारा। तो अगर ए जो है वो ए तो हमारा एरे है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या बता दिया पाइथन ने कि नंपाई डॉट एन डी एरे। अब नंपाई यानी नंपाई मॉड्यूल के अंदर जो हमारी एरे है, और एन डी एरे क्या होता है, एन डी एरे हमारी होती है एन डायमेंशनल एरे। तो एरे भी काफ़ी टाइप की होती है, 1D एरे भी होती है, 2 डायमेंशनल एरे भी होती है, 3 डायमेंशनल और एन डायमेंशनल तक एरेज होती हैं। हमें तो अभी तक 1 डायमेंशनल ही पढ़नी है, तो इसलिए इनका नाम हमने एन डायमेंशनल एरे रख रखा है। अगर मैं एरे की शेप प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं ए डॉट शेप करके करा सकता हूँ। अब शेप में क्या है, शेप हमें ये बताएगी कि एरे किस शेप में है, मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस हिसाब से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी इसने दिखा दिया 1, यानी कि अभी एक एक एलिमेंट लगा हुआ है। अगर मैं हमारी एरे कुछ ऐसी दिख रही होती कि एरे के अंदर एरेज बनी हुई है, एरे के अंदर लिस्ट बनी हुई है जिनके अंदर भी दो दो एलिमेंट हैं, तो हमारा क्या होता है, ये 2, 2 दिखाता, यानी दो एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर भी फिर दो एलिमेंट्स हैं। अगर हमारी एरे ऐसी होती कि इसके अंदर हमारे दो एलिमेंट हैं और फिर उनके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं एक एक वाले, तो हमारा कैसे दिखा था कि दो एलिमेंट हैं वो ऐसे 3 हैं और उन सबके अंदर एक है। ठीक है, तो ये हमारा शेप पता करने के यूज़ होता है कि एरे की फॉर्म क्या है। आइटम साइज़ क्या पता करता है कि एरे के जो अंदर आइटम्स जा रहे हैं, यानी जो भी डेटा टाइप हम एरे के अंदर डाल रहे हैं उसका साइज़ कितना है, तो हमें बाइट्स के अंदर उसका साइज़ निकाल के दे देता है। और अगर हमें यह देखना है कि एरे के अंदर हमारा डेटा टाइप कौन सा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट डेटा टाइप डी टाइप, और ये हमारा निकाल के दे देगा। तो डी टाइप इसने बता दिया इंट 32, इंट मतलब हमारा इंटीजर और 32 बिट्स वाला हमारा इंटीजर है। तो लिस्ट के थ्रू हमें एक एरे बनाना आ गई है, बट अगर मेरे को डायरेक्टली एक एरे बनानी है तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा लिया नंपाई को एन पी के नाम से। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करा है ए इज़ गोस टू एन पी डॉट ए रेंज नाम का। ये क्या करता है, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स जाएंगे, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप और डे टाइप। स्टार्ट क्या है कि हमारी जो एरे के अंदर एलिमेंट जाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। स्टॉप क्या है कि कहाँ तक जाएंगे, जैसे हमारा फॉर के अंदर जो हम रेंज देते थे वैसी ये रेंज है, बट ये एरे की रेंज है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट स्टॉप दे दिया। स्टेप क्या होता था कि कितने बढ़ के आगे जाना है। तो अगर मैं स्टेप को 1 दूंगा तो ये 1, अगर जैसे मैंने 1, 9 और 3 दिया है तो ये कैसे जाता, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर ऐसे 9 तक जाता। अगर मैं स्टेप 1 देता, बट मैंने स्टेप दिया 3, तो ऐसे जाएगा 1, 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 9 ऐसे। बट मैंने स्टेप 3 दिया तो ये कैसे जाएगा, 1, 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद 7 और ऐसे 3-3 करके बढ़ेगा। और फिर मैंने लास्ट में डेटा टाइप भी दे दिया। डेटा टाइप क्या दिया है, एन पी डॉट फ्लोट 32, यानी 32 बिट वाला फ्लोट डेटा टाइप दे दिया मैंने। फ्लोट हमारा क्या होता था, डेसिमल वाला। अगला हमारा फंक्शन है लिन स्पेस। ये क्या करता है, ए रेंज में हम क्या करते थे, स्टार्टिंग रेंज देते थे, एंडिंग रेंज देते थे, स्टेप देते थे। इसके अंदर हम क्या देंगे, स्टार्टिंग देंगे, एंड देंगे, और हम ये बता देंगे कि हमें इसके अंदर कितने नंबर चाहिए इस रेंज से इस रेंज के बीच में। जैसे मैं 1 और 10 रेंज दे दी और मैंने बोल दिया कि मेरे को इसके बीच के अंदर 100 एलिमेंट चाहिए, तो ये इक्वल गैप पे मेरे को 100 एलिमेंट दे देगा। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखनी है, जो इनकी आउटर लिमिट होती है ये हमारी इंक्लूसिव नहीं होती, यानी अगर मैंने 9 लिखा है तो ये 8 तक ही चलेगा। ये चीज़ तो हमें पता है, पाइथन के अंदर मोस्टली जो होते हैं वो इंक्लूसिव नहीं होते। अब कुछ फंक्शंस और देख लेते हैं हमारे नंपाई के अंदर, ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अंदर साइन, कॉस, टेन, आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टेन, ये सब क्या है, साइन हमारा बेसिक साइन फंक्शन, कॉस हमारा कोसाइन फंक्शन, ये हम डायरेक्टली एरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो वो एलिमेंट वाइज उसका साइन हो जाएगा, वो आगे देखेंगे अभी हम। आर्क साइन हमारा होता है इनवर्स साइन, जो हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो ये सब आपको याद नहीं करने बट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनको यूज़ करना आना चाहिए। सारे फंक्शन हम याद नहीं करेंगे बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा है हाइपरबॉलिक साइन, हाइपरबॉलिक कॉस, हाइपरबॉलिक टेन, और यहाँ पर हमारे वही इनवर्स में सारे हाइपरबॉलिक के। हमारे कुछ राउंडिंग फंक्शंस भी हैं, यानी एक एरे को अगर मेरे को राउंड ऑफ कराना है कुछ पर्टिकुलर डेसिमल नंबर तक, तो मैं इससे करा लूँगा। फ्लोर और सील मैंने आपको बताए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलर इंटीजर फंक्शन। ट्रंक क्या करता है, एक वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है, यानी अगर मेरे को पर्टिकुलर डिजिट तक वैल्यू को ट्रंकेट कराना है तो मैं उसको करा सकता हूँ। और ये फंक्शन हमारे एरे के ऊपर डायरेक्टली लग जाते हैं एलिमेंट वाइज, तो अगर मैं इस फंक्शन को एक पूरी की पूरी एरे पे लगा दूं तो ये एरे के हर एलिमेंट पे जाके अपने आप लग जाएगा। फिर हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस भी आते हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा जो ई की पावर एक्स वाला होता था, और लॉग तो हमें पता ही है लॉग एक्स वाला, ये भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शन है नंपाई के अंदर, और उनको हम ऐसे जैसे यहाँ पर दे रखें यूज़ कर सकते हैं। तो सारे याद नहीं करने बट यूज़ करने आने चाहिए, और यहाँ पर मैंने आपको फॉर रेफरेंस दे दिए, अगर कभी ज़रूरत पड़े कोई फंक्शन यूज़ करने की तो यहाँ से देख सकते हो। तब फाइनली देख लेते हैं कैसे हमें प्लॉटिंग करनी है नंपाई के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने नंपाई को इंपोर्ट करा लिया एनपी, और पाई प्लॉट को हमने इंपोर्ट करा लिया पीएल नाम से। सो एनपी से नंपाई और पीएल से पाई प्लॉट को हम बुलाएंगे। ए के अंदर मैंने क्या करा है, एनपी डॉट लिन स्पेस, ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे बना रहा हूँ। सो ए इज गोस टू एनपी डॉट लिन स्पेस, ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे बना रहा हूँ ए के अंदर लिन स्पेस के थ्रू। 1 से 5, यानी 1 से 5 के बीच में मेरे को 6 एलिमेंट्स चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में दे दिया 6। तो ये 1 से 5 के बीच में 6 एलिमेंट्स इक्वल गैप पर ला के दे देगा ए के अंदर। बी के अंदर मैंने क्या करा, एन पी डॉट लॉग ऑफ ए, एन पी का था हमारा नंपाई, इसमें से लॉग फंक्शन बुलाया और वो किस पे लगा दिया, ए पे।
यानी ए एरे के अंदर जितने भी 6 एलिमेंट्स थे उन 6 के 6 का लॉग हो गया और वो जाके बी के अंदर स्टोर हो गया। तो जो ए के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर उन्हीं 6 एलिमेंट्स का लॉग स्टोर्ड है कंसेक्यूटिवली रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा मेन फंक्शन जो है हमारा प्लॉट फंक्शन। प्लॉट क्या करता है, जो भी हम इसको कोऑर्डिनेट्स देते हैं उनके हिसाब से इन्हें प्लॉट कर देता है। मैंने कोऑर्डिनेट्स में इन्हें पूरी एरे दे दी, तो एक्स एक्सिस पे ए के जितने पॉइंट्स थे वो सारे प्लॉट कर देगा और वाई एक्सिस पे बी के जितने सब पॉइंट्स थे वो सारे प्लॉट कर देगा। और बेसिकली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर लॉग एक्स का कर्व मिल गया, क्योंकि हम यहाँ पर सारी लॉग वाली वैल्यू है और यहाँ पर वो वैल्यू है जो लॉग के अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ ए था, यहाँ बी था, बी के अंदर क्या जा रहा था, ए का लॉग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अंदर क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस का लॉग। तो ये हमारा एक तरह से लॉग एक्स का ग्राफ हो गया। लास्ट में हमने देखो क्या कर रखा है, पी एल डॉट एक्स लेवल, यानी हमने एक्स को लेवल दे दिया, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, जो भी हम वाई में लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और लास्ट में हमने अपने ग्राफ को शो करा दिया। तो वही जो हमारे ऊपर ए और बी एरेस थी उन्हीं को हम प्लॉट कर रहे हैं, बट इस बार कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर मैं पहले प्लॉट कर रहा हूँ ए माइनस वन बी माइनस वन, ताकि आपको मतलब डिफरेंट वैल्यूज पे रखा है ताकि चारों विजिबल हो अलग अलग स्टाइल्स। तो यहाँ पर हम ए माइनस वन बी माइनस वन और लास्ट में एक बी दे दिया, ये बी क्या है, ये हमारा है ब्लू। तो अब देखोगे जो हमारी पहली लाइन आई है वो ब्लू कलर की आई है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ए दिया बी दिया जो हमारी एरेस थी और दिया आर, ये था हमारा रेड। तो जो हमारी नेक्स्ट वाली लाइन है वो रेड कलर से आई है। अगले में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दे दी हैं, ए प्लस वन बी प्लस वन, तो उससे वो थोड़ा ऊपर खिसक गया, एक्स में भी एक आगे खिसक गया, वाई में भी एक आगे खिसक गया। लाइन विड्थ इज गोस टू टू, यानी जो मेरी लाइन बनेगी उसकी विड्थ मैंने बता दी कि वो 2 पिक्सल की होगी। तो मैंने इसको बता दिया जो मेरी लाइन बनेगी उसकी जो विड्थ होगी वो 2 यूनिट्स की होगी। लाइन का मैंने स्टाइल बता दिया, पहले नॉर्मल लाइन आ रही थी, इस बार डैश्ड लाइन बोली तो डैश लाइन आ गई। फिर मैंने बोला एक मार्कर, मार्कर क्या होता है, जो भी हमारे पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हमारा एक मार्कर बनकर आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मार्कर इज गोस टू डी, तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो डायमंड शेप के आए हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो। तो ये डी था हमारा डायमंड के लिए। मार्कर का मैंने साइज भी सिग्निफाई कर दिया कि 4 यूनिट का साइज चाहिए मेरे को। मार्कर का मैंने एज कलर भी बता दिया कि मेरे को रेड कलर का चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे आप मार्कर का जो एज है वो रेड कलर से आया हुआ है। अगले मैंने क्या करा है, ए प्लस टू बी प्लस टू पे, यानी एक एक और आगे बढ़ा दिए। तो ये जो हमारी लास्ट वाली लाइन है ये वाली है, इसमें मैंने लिखा बी डी, बी डी का मतलब है ब्लू और डायमंड। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ब्लू कलर भी हो गया ऑलरेडी और डायमंड भी आ गया, ठीक है। और मैंने लाइन का स्टाइल कह दिया है डैश डॉट, यानी एक डैश एक डॉट। तो यहाँ पर एक डैश आया, एक डॉट, डैश डॉट, डैश डॉट, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टाइल्स करे, स्टाइल्स के ये जो कोड वगैरह होते हैं आप सीख जाओगे धीरे धीरे, बाकी मैं आपको टेबल भी दे दूंगा आगे, और किस पैरामीटर से क्या होता है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बाकी नाम से ही क्लियर हो जाता है यार, लाइन का स्टाइल क्या रखना है, लाइन की विड्थ क्या रखनी है, मार्कर कैसा होगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कर्व की क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कर्व देख ले लिया है। सबसे पहले जो हमारे नीचे होते हैं ये हमारे होते हैं लेबल्स, यानी कि एक्स एक्सिस का लेबल क्या है, वाई एक्सिस का लेबल क्या है। अभी हमने ऊपर एक बार चेंज भी करके देखे थे, ऊपर जाता है वो आता है हमारे जो प्लॉट या जो हमारा ग्राफ है उसका टाइटल। तो अगर मैं पी एल डॉट टाइटल लिख के यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा तो वो टाइटल मेरा आ जाएगा। फिर हमारे दोनों एक्सिस हो गए, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये तो हमें बेसिक पता ही है। ये हमारे कर्व्स हैं दोनों के दोनों। अब इस कर्व के अंदर हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो ये चीज़ है ये भी हमने ऊपर देखा था क्या होता है, ये होते हैं हमारे मार्कर्स। यहाँ पर एक एरो टाइप का, एक डैश टाइप का है, तो मैं इनको नाम देता हूँ यहाँ पर मार्कर्स। ये हमारा क्या होता है, छोटी क्लासेस की मैथ्स में भी हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा लेजेंड। लेजेंड क्या बताता है कि मतलब क्या अंदर जो कलर कोडिंग है, क्या सिंबल क्या सिग्निफाई करता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो ब्लू वाला है वो साइन है और जो रेड वाला है वो कोसाइन है, तो हमें पता चल गया। और जो हमारी एक लास्ट चीज़ निकल के आती है वो क्या है, जो ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ये हमारे होते हैं टिक्स, एक्स टिक और वाई टिक्स। तो इनको भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आगे करके देखेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है ताकि पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या करती है, और इन्हीं के नाम से हम आगे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो प्लॉटिंग तो हमने देख ली, लाइन चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं। अब दो टाइप के चार्ट और आ रहे हैं जिनको हम आगे प्लॉट करेंगे। पहला है हमारा बार चार्ट, जो हमारा बेसिकली बार ग्राफ की तरह होता है, और दूसरा हमारा पाई चार्ट जो हमने पिक्टोग्राम पढ़ा था छोटी क्लासेस में वो। तो तीनों में करने हैं, काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा फंक्शंस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा इनके। तो पहले देखते हैं बार चार्ट कैसे बनेगा। वही मैंने पहले पाई प्लॉट को बुला दिया, एक लिस्ट बनाई है इस बार 1 2 3 4 5, और दूसरी लिस्ट बनाई है बी नाम की 1 4 9 16 25, बेसिकली स्क्वायर उन्होंने नोट करा लिया उनके। पी एल डॉट बार, पहले मैं प्लॉट कर रहा था तो लाइन बन रही थी, इस बार मैंने क्या करा है पी एल डॉट बार कर दिया। बार के अंदर क्या दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे 1 2 3 4 5, तो आगे 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस मैंने क्या दिया 1 4 9 16 25, तो 1 4 9 16 25 आ गए। और एक्स लेवल और वाई लेवल दे दिया मैंने, तो एक्स पे हमारा एन आ गया और वाई पे हमारा एन इंटू एन आ गया, और उसको शो करा दिया। तो जो बार्स की डिफॉल्ट विड्थ होती है वो 0.8 यूनिट्स होती है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक 0.8 यूनिट्स है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एक बार ग्राफ और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर मैंने फ्रूट्स के नाम रख दिए, ठीक है, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, गुआवा। अब उसके बाद मैं प्लॉट करा रहा हूँ इसको ए और बी को। सो ए के अंदर तो हमारे फ्रूट्स के नाम है और बी के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए और बी प्लॉट होते जाएंगे, बट मैंने इस बार विड्थ भी दे दी, यानी चारों के चारों जो बार है उनकी मैंने रिस्पेक्टिवली विड्थ दे दी। तो इन विड्थ के साथ हमारे आ जाएंगे। और अगले में मैंने क्या दे दिया, कलर भी दे दिया। तो कलर मैंने दे दिया ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक, और ये कलर्स हमारे रिस्पेक्टिवली लग जाएंगे। हमें एक चीज़ क्या देखनी है, जो कलर लगते हैं ये रिस्पेक्टिवली लगते हैं, यानी फर्स्ट पे हमारा ग्रेप्स था तो ग्रेप्स को ही हमारा ग्रीन कलर मिला, सेकंड पे हमारा बनाना था तो बनाना को रेड मिला,
थर्ड पे हमारा एप्पल था तो एप्पल को ब्लू मिला, फोर्थ पे गुआवा था तो गुआवा को हमारा ब्लैक कलर मिला। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, लेकिन जिस ऑर्डर में प्लॉट हुए हैं वो हमारा अल्फाबेटिकल वाइज है। तो ए पहले आया, फिर बी, फिर जी और फिर लास्ट में हमारा जी यू। तो हमारा कलर रिस्पेक्टिवली आएंगे, जो भी हमने डिटेल दी है रिस्पेक्टिवली आएंगी, लेकिन जब प्लॉटिंग के टाइम होगा तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ कलर्स देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गए होंगे कलर्स, और कुछ मार्कर के यहाँ पर देख लेते हैं। अगेन आपको सारे याद नहीं करने, बट यूज़ करने आने चाहिए, और अगर कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो। तो ब्लू इज बी, ग्रीन का जी है, आर का रेड, मैजेंटा, यहाँ पर सारे कलर लिखे हुए हैं। सिमिलरली मार्कर के भी टाइप लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमने डायमंड वाला यूज़ करा था, बड़ा डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एरो भी यूज़ कर सकते हो, ट्रायंगल वगैरह। तो यहाँ पर सारे के सारे ये आप सारे जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको और मज़ा आने लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो आप इसके अंदर। तो फॉर रेफरेंस यहाँ से हम देख सकते हैं अलग अलग कलर्स और अलग अलग मार्कर्स। अब देख लेते हैं कि एक बार ग्राफ को कैसे हमें स्टाइल करना है। तो इसके अंदर भी वैसे ही कलर वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हम देखेंगे मैंने एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट्स बना रखी हैं, ये क्या है भी देखते हैं आगे। एक्स के अंदर मैंने एक एरे बना ली, ए रेंज 4 और ए 4 क्या है, जैसे रेंज के अंदर जस्ट 4 डालते तो क्या होता 0, 1, 2 और 3। सिमिलरली ए रेंज में भी 0, 1, 2, 3 की एक एरे बन जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट करा रहे हैं। अब यहाँ पर वो लाइब्रेरी इंक्लूडेड नहीं है, वो आप मान के चलो। इस बार मैंने लिखा बार, ठीक है, पहले प्लॉट लिखता था तो हमारी लाइन करवाता था, इस बार बार लिखा था, इस बार बार ग्राफ आएगा। सबसे एक्स एक्सिस पे मैंने दिया एक्स, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, एक्स के अंदर हमारा 0, 1, 2 और 3 वैल्यू है। तो 0, 1, 2 और 3 पे प्लॉटिंग हो गई, 0 पे 1 पे 2 पे और 3 पे प्लॉटिंग हो गई हमारी। कलर क्या रहा, ब्लू, तो अभी दिख रहा है ब्लू कलर से प्लॉटिंग हुई है। विड्थ कितनी है 0.25, वो हमने डिसाइड कर ली थी 0.25 ही है। और उसको लेबल दे दिया ए, लेबल किस काम का आता है वो भी आगे समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट देखो क्या, दोबारा हमने प्लॉटिंग करी है, इस बार एक्स से 0.25 आगे, यानी पहले 0, 1, 2 और 3 पे प्लॉटिंग हुई थी, तो इस बार 0.25, 1.25, 2.25 और 3.25 पे हमारी प्लॉटिंग हुई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कहाँ पर हुई है, ये हमारा 0.25 पे है, ये हमारा 1.25 पे है, 2.25 पे और 3.25 पे हमारी प्लॉटिंग हुई है। कलर हमने ग्रीन दे दिया तो इन सबका कलर भी ग्रीन है। विड्थ 0.25 दे दी तो 0.25 विड्थ है, ब्लू वाली जितनी है, और इसको लेबल दिया बी। थर्ड हमने क्या करा, एक्स प्लस 0.50, तो 0.50 यानी अब एक्स के अंदर जितना 0, 1, 2, 3 थे वो 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5 हो जाएंगे हमारे। तो उस हिसाब से हमारे प्लॉट हो गए। और अब देखो वाई एक्सिस पे क्या दिया था हमने तीनों के, पहले हमने वाई एक्सिस पे इसमें दिया वी ऑफ 0, यानी वी का 0th एलिमेंट। वी का 0th एलिमेंट में क्या है, ये वाली पूरी लिस्ट। तो यानी एक्स एक्स पहले क्या क्या था, 0, 1, 2 और 3, और ये क्या था एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस पे क्या गया, 5, 25, 45 और 20। तो 0 पे 5 होगा तो 0 पे 5 हो गया, फिर हमारा 1 पे 25 होगा तो 1 पे 25 हो गया, फिर हमारा 2 पे 45 होगा तो यहाँ पे 2 पे 45 हो गया, फिर हमारा 3 पे 20 होगा तो हमारा 3 पे 20 हो गया। तो हमारी ऐसे रिस्पेक्टिवली प्लॉटिंग हो गई यहाँ पे। सिमिलरली हमने सेकंड में कर दिया, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने वी का सेकंड वाला डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, जो 0.25, 1.25, 2.25, 3.25 थे उन पे 4, 23, 49 और 17 वैल्यूज रिस्पेक्टिवली प्लॉट हो जाएंगी। अब हमारा ये लेबल क्या चीज़ था, लेबल हम यूज़ करते हैं लेजेंड में, जो हमने देखा था। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर लेजेंड है, इसके अंदर मैंने लेबल दे दिया। तो कलर वाइज इसने ए बी सी तीनों के लेबल बना दिए, तो ब्लू ग्रीन और रेड थे तो ब्लू को ग्रीन को और रेड को ए बी सी इसने रिस्पेक्टिवली दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लेजेंड को बता दी कि उसकी लोकेशन क्या रहेगी, तो मैंने लोकेशन उसकी कर दी अपर लेफ्ट, तो यहाँ पर अपर लेफ्ट में हो गया। मैं इसको अपर राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बार चार्ट के जैसे ही हमारा एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, बार की तरह ही होगा बट इसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टली इसके अंदर बार्स बने होंगे। तो इंपोर्ट करा ली वही अपनी लाइब्रेरी पाइपलॉट पीएलटी के नाम से, इस बार ए के अंदर ये सब दिया, एक्स के अंदर ये सब दिया और बार एच कर दिया। इस बार जस्ट बार करते तो बार ग्राफ आता, बार एच करे तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आ गया हमारा। तो ए और एक्स, तो ए गया हमारा, इस बार देखो ए किस साइड पे गया, ए हमारा वाई एक्सिस पे गया, एक्चुअली है हमारा ये एक्स एक्सिस बट इस बार हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए हमारा ए जो है वो इस पे गया, और एक्स हमने यहाँ डाल दिया, उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे भी एक चीज़ देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ गई थी वो ग्रेप्स में 4, बनाना में 1, एप्पल में 2 और गुआवा में 5 गई थी, बट जो प्लॉटिंग हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हुई है, ए बी जी जी, ठीक है। बार चार्ट और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के बाद हमारा आता है एक पाई चार्ट, तो पाई चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पाई चार्ट वैसे क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हम सर्कुलर के अंदर जितना परसेंट उसका शेयर होता है उतना परसेंट हम उसको अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली सी नाम की, 4, 1, 8 और 9 इसके अंदर वैल्यूज दी, एक डी बनाया। अब ये डी का क्या यूज़ है, डी से हम करेंगे इसकी नेमिंग। तो इसके अंदर हमने A1, B1, A2, B2 नाम दे दिए। जब मैंने ये करा PLT.axis इक्वल, इससे क्या होगा बेसिकली सर्कुलर शेप के लिए होता है, अगर मेरे को अपने पाई चार्ट को सर्कुलर रखना है तो मेरे को ये लिखना जरूरी है। फिर मैंने क्या करा PLT.py, जैसे मैं प्लॉटिंग के लिए प्लॉट कर रहा था, बार के लिए बार कर रहा था, तो पाई चार्ट के लिए मैंने पाई कर दिया और इसके अंदर मैंने दे दिए एक्सिस। अब इसके अंदर एक्सिस तो है नहीं, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ है, तो पहले गई हमारी वैल्यूज़ और उसके बाद हम बाकी जो एडिशनल हमारे पैरामीटर्स हैं वो देंगे। तो 4, 1 और 8 और 9 मैंने इसको दिए। अब इनके परसेंटेज अपने आप निकाल के उस हिसाब से इनको कलर कर देगा, ठीक है, और ये किस ऑर्डर में रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे।
सो ये 4, 1, 8, और 9 को अपने आप उनकी जो परसेंटेज है उस रेशो के हिसाब से इनको वॉल्यूम अलॉट कर देगा। और जो हमने नाम दिए थे A1, B1, A2, B2 वो हमारे लेबल्स की तरह हमने दिए थे, तो रिस्पेक्टिवली 4 को हमारा A1 मिल गया तो ये हमारा 4 हो गया, 1 को हमारा B1 मिल गया, 8 को हमारा A2 मिल गया और 9 को हमारा B2 मिल गया। तो लेबल्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे इनको नेमिंग दी थी। कलर डिफरेंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और सर्कुलर शेप के लिए हमने ये कर दिया। पाई चार्ट के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग देख लेते कैसे होती है। तो इस बार मैंने क्या करा है, इस बार मैंने एक लिस्ट बनाई है CLR नाम की, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। एक ई नाम का बनाया है, एक ई नाम की लिस्ट है, इसके अंदर 4 वैल्यू है, 0, 0, 0.1 और 0.15। ये क्या है अभी आगे देखते हैं। PL.py वही हमारा पाई चार्ट बनाने के लिए पाई यूज करा। इसके अंदर मैंने सी डाल दिया जो हमारा 4, 1, 8, 9 था, ठीक है। अब कलर्स को मैंने कर दिया CLR। CLR क्या थी, हमारी लिस्ट थी। इस लिस्ट के अंदर हमने सारे कलर डाल रखे हैं, तो रिस्पेक्टिवली ये सारे कलर अलॉट हो जाएंगे 4, 1, 8 और 9 को, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो हमारे अलॉट हो गए हैं। उसके बाद है एक ऑटोपिसिटी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको मैं समझाता हूँ। जब तक नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या होता है, एक्सप्लोड हमारा यूज़ होता है इसको थोड़ा सा ऐसे गैप देने के लिए सेंटर से। एक्सप्लोड मतलब इस तरह से फट जाए, जैसे बीच में सेंटर से फट जाएगा तो थोड़ा दूर चला जाए। तो एक्सप्लोड के अंदर मैंने क्या दिया, ई। ई के अंदर हमारा क्या था, 0, 0, 0.1 और 0.15। तो जो हमारे 4 और 1 थे वो हमारे 0 से एक्सप्लोड हुए, यानी जो जहाँ थे वहीं रहे, तो ये 0 भी वहीं है। तो हमारा 4 वाली वैल्यू भी वहीं है, 1 वाली वैल्यू भी वहीं है। नेक्स्ट में हमने जैसे 0.1 यानी जो हमारी 8 वाली वैल्यू थी, तो 8 जो है वो 0.1 यूनिट से आगे एक्सप्लोड हो गया, तो ये थोड़ा सा बाहर को निकल गया, तो इससे हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी एक पार्ट को। और जो हमारा लक्ष्य वाला था वो हमारा 0.5 यूनिट से बाहर निकल गया, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लोड हो गया। अभी समझ लेते हैं ये ऑटोपिसिटी क्या था। ये ऑटोपिसिटी हमारा है ऑटो परसेंट। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालते हैं उससे जो है वो पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज शो हो जाती है कि किस नंबर की कितनी परसेंटेज है। अब ये परसेंट 1.1 F% ये क्या है, इसका सिंटैक्स हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजीली इसको समझाते हैं। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो रहता है परसेंट फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसीजन और टाइप। अब ये क्या सारी चीज़ें हैं एक बार आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी विड्थ। तो विड्थ हमारी क्या स्पेसिफाई करती है कि जो भी हमारा नंबर आएगा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इन सबकी विड्थ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4, तो ये सारे 4 विड्थ के हैं। तो बाय चांस अगर कोई नंबर आया था जिसकी विड्थ 4 से ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर आ गया 23.333, तो इसकी विड्थ तो 4 से ज़्यादा है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि 4 से छोटा आ जाए, जैसे कि आ गया हमारा 1.2, तो उस केस में हमें विड्थ को बढ़ा के 4 तक ले जाना ही पड़ेगा। ये भी 3 है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में एक अंडरस्कोर लगा देंगे, ठीक है। तो विड्थ में क्या होता है, अगर विड्थ ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर विड्थ कम हो रही है जितनी हमें चाहिए उससे, तो हम उसको बढ़ा देंगे पहले हम अपने नंबर लगा के, ठीक है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे। बट अगर हमने पहले ही उसको फ्लैग दे रखा है कि यहाँ पर अंडरस्कोर की जगह क्या लगाना है, यानी कि अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, अगर मैंने लिखा जस्ट परसेंट 3.2 और आगे हमने मान लो ऐसे करके दे दिया, इस केस में यहाँ पे देखोगे ये परसेंट तो सिर्फ सिग्निफाई कर रहा है स्पेशल स्ट्रिंग है, उसके बाद एक नंबर है, ये एक नंबर हमारा है विड्थ, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा वो 3 विड्थ का होना चाहिए कम से कम। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कम हुआ तो उसको बढ़ा के वापस 3 का कर देना है उससे पहले अंडरस्कोर लगा के। बट अगर मैं यहाँ 3 से पहले भी कुछ दे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 0 और फिर यहाँ परसेंट लगा दिया, तो अब क्या हो गया, अब हमारी विड्थ तो 3 है लेकिन यहाँ पर एक फ्लैग आ गया। इस फ्लैग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जब भी विड्थ कम होगी तो हम उसको बढ़ा देंगे एक अंडरस्कोर लगा के। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग वो होता है जो हमें अंडरस्कोर की जगह लगाना है। यहाँ अगर यानी अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया और मेरे पास नंबर आया 1, तो इसकी विड्थ बढ़ाकर 3 करने के लिए मेरे को इसके पहले 0 लगाने पड़ेंगे। नॉर्मली मैं अंडरस्कोर लगाता बट मैंने अब यहाँ पर फ्लैग दे दिया कि मेरे को 3 से बढ़ानी है विड्थ, तो मैंने इस बार 0 दिया है यहाँ पे। तो फ्लैग हमारा क्या होता है, जिस करेक्टर से हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे या विड्थ बढ़ाएंगे। विड्थ क्या होता है, मिनिमम विड्थ जो भी हमारी, मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर जो भी स्ट्रिंग के अंदर होंगे। फिर आता है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या बताता है कि जो हमारे डेसिमल्स हैं वो कितने डिजिट तक राउंड ऑफ होंगे। अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो जो हमारे डेसिमल्स हैं वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो हमारे 1 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी परसेंटेज को राउंड ऑफ करता है। और लास्ट में एक परसेंट वही, अगेन स्पेशल स्ट्रिंग के लिए, और ये हमारा परसेंट किस लिए, लास्ट में ये परसेंट साइन लगाने के लिए। तो ये हमारी एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है जो परसेंट से डिनोटेड होती है, और इसके अंदर का सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ऑटोपिसिटी इक्वल्स टू परसेंट 3.2 F% लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है। तो इसके अंदर ऑटोपिसिटी हमारा ऑटो परसेंट हो गया। परसेंट हम ए वाले परसेंट हमारे क्या बता रहे हैं कि एक स्पेशल स्ट्रिंग है। 3 हमारा क्या है, 3 हमारी विड्थ है, यानी अगर हमारा जो भी नंबर होगा वो कम से कम 3 लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। फ्लैग इसके अंदर कोई है नहीं, यानी अगर हमारा कोई नंबर जो होगा वो अगर 3 लेंथ से छोटा होगा तो उसके पीछे अंडरस्कोर लगा के हम उसको 3 लेंथ का कर देंगे पॉइंट। और उसके बाद है हमारा प्रिसीजन 2, यानी कि जो भी हमारे आगे परसेंटेज होगी हम उसको 2 तक के लिए राउंड ऑफ कर देंगे। और अगर मान लो हमारी परसेंटेज 2 तक राउंडेड ऑफ नहीं है, यानी कि हमारा नंबर है 3.2, तो उसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई होगी। परसेंट 3D, परसेंट 0.5i, परसेंट यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमारी स्पेशल स्ट्रिंग्स वर्क करती हैं। परसेंट 3D ये तो बहुत सिंपल, इसमें पॉइंट ही नहीं है। तो परसेंट हमारा स्पेशल स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है, 3 हमारा क्या बता रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ 3 होनी चाहिए, और D हमारा बता रहा है कि हमारा एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो जब भी हम परसेंट लिखते हैं तो परसेंट के अंदर परसेंट D और परसेंट I दोनों का मतलब हमारा इंटीजर ही होता है, डेसिमल नंबर या इंटीजर। तो परसेंट 3D का मतलब क्या है कि एक इंटीजर टाइप है और इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 3 होनी चाहिए।
और अगर मैंने इसके अंदर नंबर 24 दिया तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, डैश 24 अंडरस्कोर 24। मैंने बताया था ना मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, लेकिन इसकी अभी लेंथ कितनी है 2, तो 3 बनाने के लिए हम इसके पीछे एक अंडरस्कोर लगा देंगे इसको 3 बनाने के लिए। अगला हमारा परसेंट 05i, परसेंट हमारा स्पेशल स्ट्रिंग, आई हमारा बताने के लिए कि इंटीजर है। अब ये 0 क्या है, 0 है हमारा फ्लैग और 5 है हमारी विड्थ, यानी कि मिनिमम विड्थ हमारी 5 होनी चाहिए, और अगर 5 नहीं हुई, कम हुई, तो उसको बढ़ाने के लिए हम अंडरस्कोर की जगह इस बार 0 लगाएंगे। तो 24 था, 2 था, तो इसको 5 बनाना था, तो इसको 5 बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा, और इससे पहले अंडरस्कोर की जगह इस बार 0 लगे क्योंकि मैंने फ्लैग में 0 दिया था। अगर मैं लिखता हूँ परसेंट 03d परसेंट परसेंट, इतना पार्ट तो पहले की तरह होगा बट लास्ट में एक परसेंट आ जाएगा। 24 दिया, जैसे इसमें परसेंट 3d था, इसमें परसेंट 03d है, तो परसेंट 03d में क्या होगा, 3 चाहिए, लेकिन पहले अंडरस्कोर लगाया था क्योंकि कुछ फ्लैग नहीं था, इस बार फ्लैग में 0 दिया है तो इस बार 0 लगेगा और लास्ट में एक परसेंट लग जाएगा। हमें देखता हूँ परसेंट 6.1f, f हमारा बता रहा है कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है, 6.1 यानी कि 6 हमारी टोटल एंटर होनी चाहिए और 1 तक हमारे हमें राउंड ऑफ करना है, सो 24.2, तो डेसिमल तो हमारा ऑलरेडी 1 तक राउंडेड ऑफ है, तो हमें इसकी लेंथ 6 बनानी है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4 लेंथ है, तो इसके पीछे मेरे को 2 अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे और ये हमारा बन जाएगा। अगला क्या है हमारा 3.3f, तो इसका क्या है कि जो हमारे डेसिमल होनी चाहिए वो 3 तक राउंडेड ऑफ होनी चाहिए और जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, तो 24.2 गया। अब 2 को 3 तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 तक बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि 0 लगा देंगे, तो 3 तक करने के लिए 2 0 लगा दिए, और 3 मिनिमम लेंथ होनी चाहिए थी, तो 3 से तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। तो इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कैसे स्पेशल स्ट्रिंग्स वर्क करती हैं, बाकी आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे जैसे जैसे पाई चार्ट के साथ, तो फिर आपको ऐसे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता दोगे। और कुछ कस्टमाइजेशन देखते हैं हम एक चार्ट के अंदर जो कर सकते हैं। सबसे पहले एक आ रहा है टाइटल फंक्शन, टाइटल क्या करता है मैंने बताया था ऊपर, जो हमारा एक टाइटल आता है मैंने लिखा अगर प्लॉट में टाइटल, ये PLT हमारा क्या है, पाई प्लॉट का एलियस नेम है, सो PLT.title, और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स डेटा। एक्स में क्या डाला, ये जो एक्स एक्सिस में पॉइंट्स चाहिए, वाई में हमने वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स डाल दिए। अभी एक्स लिम क्या है, ये हमारी एक्स की लिमिट्स, तो एक्स की लिमिट मैंने दे दी 3.5 से -0.5, तो 3.5 से -0.5 तक लिमिट बन गई। सिमिलरली मैंने वाई की लिमिट दे दी -50 से +50, तो -50 से +50 तक लिमिट बन गई। तो अगर मेरे को ग्राफ अपने हिसाब से उस ग्राफ के जो लिमिट्स चेंज करनी है, फिर स्केल चेंज करना है, तो मैं लिम के थ्रू कर सकता हूँ। और लास्ट में मैंने इसको जस्ट प्लॉट करा दिया एक्स और वाई को। और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर हम। टाइटल हमने देख लिए, एक्स और वाई दोबारा लिए, इस बार क्या यूज़ करा है, एक्स टिक्स। ये टिक्स क्या होते हैं बताया था मैंने, टिक्स होते हैं ये, तो इसमें मैं टिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने 0, 1, 2, 3 वैल्यू के लिए, जो हमारे एक्स के अंदर वैल्यू थी उनके लिए मैंने टिक्स डिफाइन कर दिए, ABCOD, तो ABCOD के ऊपर टिक्स आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट अपना बार बना दिया एक्स वाई और टाइटल दे दिया स्टूडेंट्स डेटा। तो ये तक था हमारा चैप्टर, काफ़ी इजी होगा क्योंकि बस इसके अंदर क्योंकि फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शंस इंप्लीमेंट करने आने चाहिए और फंक्शंस की भरमार है, आप जितने सीखोगे उतने कम है, जितने फंक्शंस आप पढ़ते जाओगे उतनी इसके अंदर आप एडिशनल चीज़ें करते जाओगे। तो बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, आई होप इसके बाद आप अपने आप पाइपलॉट यूज़ करना सीख गए होगे और बेसिक्स सारे के सारे चार्ट्स बनाना सीख गए होगे। सो इतना इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।